हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सासू माँ को जूस दे रही हूँ। जूस दे रही हो या जहर दे रही हो? बेटा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मम्मी जी आप इसी से पूछिए, इसने अभी अभी आपके जूस में क्या मिलाया है? सपना बताओ तुमने अभी अभी जूस में जहर मिलाया है ना? मैंने इनके जूस में दवाई मिलाई है ब्लड प्रेशर की। लो, फिर से हमारा फैमिली ड्रामा शुरू हो गया। अच्छा ब्लड प्रेशर की दवाई, तो फिर पी के दिखाओ इस जूस को। मैं क्यों पीऊं? भाभी आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप हमेशा सपना के पीछे हाथ जोड़कर क्यों पड़ी रहती हैं? एक सेकंड, सपना क्या तुम्हें मम्मी जी ने कहा था जूस में दवाई मिलाने को? नहीं। तो फिर क्यों मिलाई जूस में दवाई? एक मिनट मैं 2 मिनट का बाथरूम चला गया, आप लोगों ने World War III शुरू कर दी। मैंने इससे कहा था जूस में दवाई मिलाने के लिए। सपना आज का डोज भूल गई थी तो मैंने कहा जूस में मिला दो। मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर कि मेरा परिवार मेरा कितना ख्याल रखता है, कितनी फिक्र है सबको मेरी। चलो मुझे जूस दो। I'm sorry ladies and gentlemen, please enjoy the party. Music please, louder. नमस्ते। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं ठीक। आप कुछ ले नहीं रहे हैं? मैं आपके खाने के लिए कुछ मंगाती हूँ। सरोज नहीं, आप तकलीफ मत लीजिए, मैं खुद जाकर ले लूंगा। श्योर? या इट्स ओके, फाइन। हाय, मम्मी जी क्या हुआ आपको? मम्मी जी आइए सर। नमस्ते, मेरा नाम है मैं सर, मैंने आप लोगों को फोन किया था। अच्छा, अब कैसी है तुम्हारी मम्मी? डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं सर, पता नहीं क्या होगा। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जिस किसी ने मेरी माँ को मारने की कोशिश की है ना, उसको आप छोड़ना मत। एक बात बताओ अहम, क्या तुम्हें किसी पर शक है? मेरा मतलब है कौन कर सकता है ये तुम्हारी मम्मी के साथ? मुझे तो सभी पर शक है सर। अहम कौन है ये लोग? CID। CID? पर किसने बुलाया इन्हें? मैंने बुलाया। क्यों? आप? जी मैं विकास, अहम का बड़ा भाई। क्योंकि आप में से किसी ने ही मम्मी की जान लेने की कोशिश की है। What nonsense? तुम अपने घर वालों को शक कर रहे हो? आप घबरा क्यों रहे हैं भैया? कहीं आपको ये तो डर नहीं कि सपना भाभी की पोल खुल जाएगी? सर पार्टी में मैं बताता हूँ क्या हुआ। सपना भाभी पर शक है तुम्हें? यस सर। सपना कहाँ है?
सपना हॉस्पिटल नहीं आई, वो घर पर ही है। वैसे आप कौन है? जी मैं काव्या। हमारी भाभी है सर। सर अहम बच्चा है, ये आप लोगों को बहका रहा है सर। विकास जी, हम सीआईडी वालों को कोई बहका नहीं सकता, समझे? कहाँ है आपकी मम्मी? मम्मी ऊपर आईसीयू वार्ड में है। ईशान, ये कोई आग वाला धुआं नहीं है, इसकी गंदी कुछ अलग है। ये धुआं किसी और चीज का है, किसी केमिकल का। आपका अंदाजा सही था, ये देखिए स्मोक बॉम्ब। माय गॉड, सर सर कहीं स्मोक बॉम्ब फायर अलार्म बजाने के लिए तो नहीं डाला गया था? आश्रया, फायर अलार्म बजाने के लिए ही स्मोक बॉम्ब लगाया गया था। मालिनी का कमरा ढूंढो जल्दी। अरे पेट तो खाली है, ये मालिनी जी कहाँ चली गए होंगे? सर लगता है मालिनी जी जान खतरे में। स्टाफ को बुलाओ, हॉस्पिटल के वार्ड में से एक मरीज गायब होता है और किसे कुछ पता नहीं। वाह, हम भी क्या करते साहब, जब हॉस्पिटल में भगदड़ मची तो हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग गए। क्या तुम लोग जान बचाने के लिए भाग गए मरीज को ऐसे ही छोड़कर? शर्म नहीं आई तुम्हें? सर ये अचानक कैसे हुआ पता भी नहीं चला। हम मालिनी जी के परिवार वालों को बताने ही वाले थे कि उनकी मौत हो गई है। पर क्या उनकी मौत हो चुकी है? जी सर, इसका मतलब किसी ने मालिनी जी की लाश को गायब किया है। और सर ये काम किसी हॉस्पिटल के बाहर वाले का नहीं हो सकता। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बात आप अपने तक ही रखिएगा। अगर मीडिया वालों को मालूम पड़ा तो हमारी इज्जत और हॉस्पिटल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सर चुप रहिए प्लीज, सर प्लीज चुप रहिए प्लीज। लाश गायब हुई है हॉस्पिटल से, पर आपको अपनी और इस हॉस्पिटल की इज्जत की पड़ी है। हाँ एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारे इस हॉस्पिटल का एक एक दरवाजा एक एक खिड़की अभी इसी वक्त बंद चाहिए, मुझे एक चिड़िया तक बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? जी सर, सुना तुमने? जी गो इमीडिएट। दुष्यंत हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारो, कहीं तो छुपा के रखी होगी मालिनी की लाश को, कहीं तो। हाँ एक बात बताइए, आपके मम्मी के साथ कमरे में कोई था उनकी देखभाल के लिए? जी सर, मेरे पति आनंद वहीं पर थे। आप मम्मी के साथ थे? तो फिर ये सब हुआ कैसे? जैसे ही फायर अलार्म बजा तो मैं वार्डरूम के बाहर आया ये देखने के लिए कि क्या मच रहा है। हर तरफ धुआं ही धुआं था, वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ भाग रहे थे। धक्का मुक्की में कुछ लोग मुझे मम्मी जी के वार्डरूम से बहुत दूर ले गए, जाकर भी मैं वार्डरूम तक नहीं पहुंच पा रहा था। किसी तरह जब मैं मम्मी जी के वार्डरूम में पहुंचा, तो मम्मी जी वहां पे थी ही नहीं। सर प्लीज प्लीज मम्मी जी को ढूंढ निकाली। सर
सर हर जगह चेक कर लिया, मालिनी जी की लाश कहीं पर भी नहीं है। और सर मॉर्ग में भी चेक किया, लाश वहां भी नहीं। इसका मतलब है जिसने भी ये किया है वो मालिनी की लाश को हॉस्पिटल के बाहर ले जा चुका है। काम करते हैं, हॉस्पिटल के गेट पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसका फुटेज चेक करते हैं। एक झटके में गाड़ी रिवर्स हो गई और हॉस्पिटल के बाहर भी निकल गई। जरूर मुजरिम मालिनी को इसी गाड़ी में लेकर गया होगा। एक मिनट जरा इस फुटेज को रिमाइंड कीजिए, हमें कार का नंबर चाहिए। पॉज करो, ज़ूम इन करो। XYZ5139। सर आप सही कह रहे हैं, यह मुजरिम मालिनी जी को इसी गाड़ी में लेकर गया होगा। अनिकेत काम करो, कंट्रोल रूम में फोन करके इस गाड़ी का डिस्क्रिप्शन दे दो और उनसे कहो जहां पर भी ये गाड़ी देखे हमें इन्फॉर्म करें लोकेशन। और ये गाड़ी ये तो आग लग गई सर। सीट्स तो खाली है पर कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। सर ये लाश तो जल चुकी है। शायद सबूत मिटाने के लिए खूनी ने मालिनी जी की लाश को जला दिया। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये लाश मेरी माँ की है? इसका चेहरा तो बुरी तरह जल चुका है। देखिए ये अंगूठी देखिए, पहचानते हो इसे? कुछ नहीं ताजी। अरे क्या नहीं ताजी है दया, लाशों से बात करना कोई आसान है क्या? और लाश भी जली हुई हो और मुश्किल हो जाती है ना। आप तो हमेशा कहते थे कि सालुंके के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, है? वो तो नहीं दया, खूनी ये सोचता था कि लाश को जला देगा तो हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही अटक जाएगा, हमारी नैया बीच भंवर में अटक जाएगी। तो इस अटकी हुई नाव को बाहर निकालिए ना सर, हाँ? आप कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लेंगे आप। आपको पता है फ्रेडी आपके बारे में क्या बता रहा था? फ्रेडी क्या कह रहा था मेरे बारे में? नहीं ऐसा कुछ खास नहीं, वो कह रहा था कि डॉक्टर सालुंके की उम्र हो गई। बहुत ज्ञान है आपको। हाँ देखो दया,
जो लोग मेरे सन्यास लेने के बारे में सपने देख रहे हैं ना, उन्हें जाके बोल दो अपनी नींद से जाग जाए। मैं सन्यास नहीं लेने वाला हूँ ना, मैं तो इस केस को सॉल्व करने के बाद स्विट्जरलैंड जाने वाला हूँ। कहाँ जाने वाला हूँ? स्विट्जरलैंड। एग्जैक्टली। हम भी चलेंगे आपके साथ स्विट्जरलैंड, पर पहला कदम तो उठाइए इस केस को सुलझाने की ओर। पहला कदम तो उठ चुका है भाई। अच्छा, ये देखो, ये देख लो, ये क्या? ये सर बॉडी जलने की वजह से हो गया है? जी नहीं, ये बॉडी को फिनाइल से धोने की वजह से हो गया। क्या, इस लाश को फिनाइल से धोया गया? हाँ, खूनी ने लाश को अस्पताल से गायब करने से पहले उसको फिनाइल से अच्छी तरह से धोया ताकि लाश का केमिकल कंपोजिशन ही बदल जाए। खूनी ने हर कदम इसी मकसद से रखा है ताकि हमारे रास्ते में ज्यादा से ज्यादा कठिनाइयां आ सके। इस लाश को पहले फिनाइल से धोया और फिर इसे आग लगा दिया? जी हाँ। और सबसे पहले क्या जलाए? सबसे पहले जलाए बाल, क्योंकि बालों में सबसे ज्यादा और सबसे पहले असर होता है जहर का। सर, काव्या ने बताया था ना कि शायद जहर सपना ने दिया है मालिनी जी को। इसीलिए तो जला दिए ना भैया, सबसे पहले बाल, क्योंकि जहर दिया था। मतलब ये सब सपना का ही काम है। सर, आप लोग कुछ पता चला मां की मौत की वजह क्या थी? जी नहीं, मगर बहुत जल्द पता चल जाएगा। पता तो चल गया है ना सर, सपना ने ही जूस में जहर मिलाया। बस कीजिए भाभी, इनफ। हर चीज की खाद होती है। डॉक्टर साहब, आप बताइए ना। देखिए, मैं इनका फैमिली डॉक्टर हूँ। सपना ने जूस में ब्लड प्रेशर की दवाई मिलाई थी जो मैंने ही उसे कहा था। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है आप लोगों को कौन कर सकता है ये? कौन मार सकता है आपकी माता जी को? मैं कुछ कहना चाहूँ। आप? जी सर, ये हमारे परिवार के वकील हैं, मिस्टर संजीव। संजीव जी, कहिए संजीव जी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए सर, मुझे शक तो नहीं है, हाँ, मगर पार्टी के बाद मालिनी जी मेरे साथ एक मीटिंग करना चाहती थी। मालिनी जी आपके साथ मीटिंग करने वाली थी? किस सिलसिले में? अपनी वसीयत बदलने के सिलसिले में। वसीयत बदलना चाहती थी? अच्छा। मीटिंग ही नहीं हो पाई क्योंकि अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई। अच्छा संजीव जी, ये बताइए, अभी जो वसीयत है जो मालिनी जी बदलना चाहती थी, क्या है उस वसीयत में, कुछ बता सकते हैं आप? सर, इस वक्त जो वसीयत है उसके हिसाब से आधी जायदाद मिस्टर आनंद के नाम पे है और बाकी बची हुई आधी जायदाद दोनों भाइयों के नाम पे है। वकील साहब, ये बताइए कि ये जो नई वसीयत है वो क्या होने वाली थी? सर, यही तो सब डिस्कस होना था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मालिनी जी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और मीटिंग हो नहीं पाई। दुष्यंत, पता लगाना पड़ेगा मालिनी जी अगर वसीयत बदलती तो किसका फायदा होने वाला था और किसका नुकसान। अरे आओ आओ भैया, समझो केस सॉल्व हो गया। क्या बात है सर, लगता है लाश से कोई बड़ी जानकारी निकाल ली आपने। या जनाब, पार्टी में मालिनी जी के कान से खून बह रहा था ना। हाँ, उसकी वजह पता चल गई आपको? जी हाँ, उसकी वजह थी दया साहब जहर। जहर जिसने ऑरल ट्रैक्ट को, यानी के कान के इस हिस्से को बिल्कुल तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। देखो, तो जहर की वजह से नस फट गई और कान से खून बहने लगा। और इतना ही नहीं, इनके खून में से हमें बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी मिले। और तो और, इनके किडनीज में से हमें बड़ी हुई मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम मिला है। और ये सारी चीजें सिर्फ एक ही तरफ इशारा करती हैं, जहर। सर, फिर तो हमें सपना को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, यहीं पर कहानी में जरा सा ट्विस्ट है भैया। इनको जहर तो जरूर दिया गया था, लेकिन वो स्लो पॉइजन था, धीमा जहर, जो कोई 1.5-2 महीने से लगातार हर रोज इन्हें दिए जा रहा था, इसलिए जूस में तो जहर होने का सवाल ही नहीं। और ये जहर किस चीज के जरिए दिया जा रहा था?
खाने पीने के साथ? यार दया, ये गुत्थी थोड़ी सी उलझी हुई है। But why fear when Sanu case here? तुम चिंता मत करो, इस जहर से भी मैं सच उगलवा के रहूंगा। ठीक है सर, आप इस जहर से सच उगलवाइए, तब तक मालिनी के घर वालों से सच उगलवाते हैं। क्योंकि वो जूस जो सपना ने मालिनी जी को दिया था उसमें जहर नहीं था। मालिनी जी की मौत स्लो पॉइजनिंग से हुई है। स्लो पॉइजनिंग धीमी धीमी असर करने वाले जहर की वजह से, जो उन्हें 45 दिन तक रोज लगातार दिया गया था। भीमा जहर, मां को मारने की इतनी बड़ी साजिश? जी, और ये साजिश किसी आसपास वाले की है, जो उनके खाने के साथ, उनकी दवाइयों के साथ छेड़खानी कर सकता था। सर, चाय लीजिए आप लोग। थैंक यू, आप लीजिए। एक मिनट, मैं पी। एक बात बताइए, मालिनी जी को रोज दवाई कौन देता था? सर, उन्हें दवाइयां सपना ही दिया करती थी। अच्छा। हाँ, मैं ही उन्हें दवाइयां दिया करती थी, पर कभी कभार सासू माँ अपनी दवाइयां खुद लिया करती थी, कभी आयुर्वेदिक की तो कभी न्यूरोपैथी की। तो सपना जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जहर शायद मालिनी जी की खुद की ली हुई दवाओं में था। मैं नहीं जानती कि जहर किस चीज में था, मैं तो सिर्फ आपको उनकी आदतों के बारे में बता रही हूँ। चलो ठीक है, हमें वो दवाइयां देखनी है। चलिए सर, मैं आपको माँ का कमरा दिखाता हूँ। चलिए। भाभी, क्या हुआ आपको? भाभी, सांस लेने में दिक्कत हो रही। सुरेश, पानी लाओ। अरे पानी लाओ। दुष्यंत, लता इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, जल्दी से एम्बुलेंस बुला लो और हॉस्पिटल ले जाओ इसे। श्रेया, तुम भी जाओ साथ में। सर, जी डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है काव्या की और हुआ क्या है इन्हें? फिलहाल तो हम इनके बेहोशी की वजह समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट डोंट वरी, खतरे का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा, इन्हें जल्दी होश आ जाना चाहिए। थैंक गॉड, वैसे भी सासू माँ के मौत के सदमे के बाद हम उभर नहीं पाए, कम से कम काव्या भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, इन्हें जैसे ही होश आए हमें बता दीजिएगा। या श्योर, थैंक यू। मुझे तो सपना पर शक हो रहा है, वहाँ पार्टी में काव्या के साथ झगड़ा कर रही थी और यहाँ इसे काव्या की इतनी परवाह हो रही है। और श्रेया होना उस चाय में कुछ था जिसे पीते ही काव्या बेहोश हो गई। सर, चाय तो मैंने भी पी थी, थैंक गॉड मुझे कुछ नहीं हुआ। आर यू श्योर पंकज? श्योर मतलब? सर मतलब चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे ना तुम्हें? चक्कर नहीं सर, चक्कर नहीं आ रहा, मगर पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है। सर, पेट में गड़बड़ लग रही है, गर्मी हो रही है, कहीं से वो तो नहीं हो गया? पंकज, और अगर तुम्हें सीरियसली कुछ हो भी गया है तो हम हॉस्पिटल में ही है ना? कैसे पता? अजीब बात है, ये काव्या का पति आनंद अभी तक आया नहीं। पंकज, उसका नंबर ट्राई करो। उसका फोन बंद आ रहा है। सर, कहीं आनंद ने तो काव्या को चाय में जहर नहीं पिला दी? हो सकता है पंकज। सर, अगर चाय में जहर था तो हो सकता है कि नौकर भी शामिल हो। सर, आदुष, क्या कहा डॉक्टर ने, क्या हुआ काव्या? सर, डॉक्टर के मुताबिक काव्या की चाय में जहर था और पंकज रिपोर्ट से के ब्यूरो गया है। काव्या की चाय में जहर था? सुरेश,
बताओ सुरेश, चाय में जहर कहां से आया? चाय में जहर कहां से आया? मैंने कहा था जहर डालने के लिए, ना मैंने डाला सर। सब पता चल जाएगा। एक बात बताओ, जब तुम चाय लेकर आए थे तो चाय कहीं पर रख दी थी और कुछ दूसरे काम के लिए गए थे? हाँ साहब, याद आया। मैं सुबह जब चाय लेकर आ रहा था तो आनंद साहब ने मुझे कुछ खाने के लिए लेकर आने को कहा। अरे सुरेश, सिर्फ चाय, कुछ नाश्ता भी ले जाओ। कल रात से किसी ने कुछ भी नहीं खाया, जाओ। जी साहब। आनंद कहाँ है? सर, ये अपने रूम में सो रहे हैं। कहाँ है आनंद? आनंद तो है ही नहीं कमरे। पता नहीं सर, अभी तो भैया यहीं सो रहे थे। फोन करके बुला। सर, घंटी जा रही, भैया फोन नहीं उठा रहे। घंटी बज रही है पर भैया फोन नहीं उठा रहे। सर, जब सुरेश चाय लेके आया था, सर बिस्किट तो था ही नहीं। और तो सर, जब चाय आई तो वहां पे आनंद भी नहीं था, तो आनंद को पता कैसे चला कि कौन सा कब किसके हिस्से में जाने वाला है? हाँ वाकई, आनंद तो वहां था ही नहीं चाय पीने के लिए। जब ये सुरेश सबके लिए चाय लेकर आया था तो सारे के सारे चाय के कप एक जैसे ही थे। उसमें एक मग था, मग बड़ा सा, जो काव्या ने उठाया था। तो हो सकता है वो काव्या का खास मग हो, जिसमें वो हर बार चाय या कॉफी पीती हो। हाँ सर। और ये बात आनंद को मालूम थी। हेलो एसीपी साहब, मैं डॉक्टर सुमित। हाँ डॉक्टर सुमित, बोलिए। एसीपी साहब, आप जल्दी चले आइएगा, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ डॉक्टर सुमित? ये काव्या तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, आप यहाँ जल्दी चले आइएगा। हेलो, क्या बहुत बड़ी गड़बड़ हुई हॉस्पिटल में? लेट्स गो। लिस्ट बना के दोबारा से डिटेल मुझे दे देना, ठीक है? बाकी सब मैं देख लूंगी। डॉक्टर सुमित कहाँ मिलेंगे? सर, उन्हें तो आईसीयू में भर्ती किया है। डॉक्टर सुमित को आईसीयू में भर्ती किया है? क्यों? सर, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। डॉक्टर सुमित अपने केबिन में खून में लथपथ मिले सर, और उनके सर पे बहुत गहरी चोट आई है। गॉड, क्या मिल सकते हैं उन्हें? फिलहाल तो नहीं सर, वो कोमा में हैं। होश में कब आएंगे नहीं पता। दुष्यंत, जरूर ये वही मुजरिम है जो ये सब कर रहा है। वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है, पहले मालिनी के साथ और अब डॉक्टर सुमित के साथ। काव्या सर, कहीं उस मुजरिम का अगला निशाना काव्या तो नहीं? काव्या का? काव्या कहाँ चली गई सर? कहीं काव्या को भी तो गायब नहीं किया उसने? श्रेया, जो भी कोई है, अगर इसने काव्या को भी गायब किया तो वो हॉस्पिटल के मेन गेट से ही बाहर जा सकता है। और सर, शायद डॉक्टर सुमित को भी उस खूनी के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उन पर भी हमला हुआ। निखिल, तो शायद डॉक्टर सुमित यहां फोन पर बात कर रहे थे और फिर पीछे से कोई आया और जोर से उनके सर पर वार किया और वो यहाँ नीचे गिर गए। हाँ साहब, डॉक्टर साहब के सिर के पीछे चोट आई है। अच्छा, हादसे के बाद डॉक्टर सुमित के केबिन में कितने लोग आए थे? सब 4-5 जन आए थे उनको आईसीयू में ले जाने के लिए। सर, आनंद का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, कहीं इस सब के पीछे उसी का हाथ तो नहीं? ये आनंद ही कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस आनंद में। आइए सपना जी, आइए। कहाँ गई थी आप? वो मैं काव्या की रिपोर्ट्स लेने गई थी गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के पास। क्या हुआ? वहां से एक रिपोर्ट लाने में इतना वक्त? लाइन बहुत लंबी थी, मगर क्यों, क्या बात है? काव्या कहाँ है? काव्या गायब है, समझिए आप। क्या सर, ये ब्लड सैंपल्स तो ले लिए, लेकिन सर क्योंकि बाकी लोग डॉक्टर साहब के कैबिन के अंदर चले गए थे,
इसलिए सारे जरूरी सबूत मिट गए। और यहाँ पे काव्या गायब है, है ना दुष्यंत? ये किसी एक आदमी का काम नहीं, ये जो भी कर रहा है ना उसका कोई साथी है, एक इनके परिवार में से कोई और दूसरा इस हॉस्पिटल में से कोई। डॉक्टर साहब क्या हुआ, ये फॉरेंसिक लैब में जश्न का माहौल? अरे हाँ भैया, जश्न का माहौल तो हो गई। स्विट्जरलैंड की हसीन वादियां पुकार पुकार के कह रही हैं, सालू खे आजा रे तू आजा, तेरा इंतजार है। मतलब आपको पता चल गया कि वो लाश के अंदर जहर कहां से गया? जहर बॉडी में आया था दांत से। दांतों से जहर? हाँ सचिन, मालिनी ने 2 महीने पहले ही अपने दांतों का रूट कैनल करवाया था और इस ऑपरेशन के दौरान इसके दांतों में जो मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया गया था वो मात्रा में बहुत ज्यादा थी। मर्क्यूरी अपने आप में एक जहर है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल, और जब जब मालिनी जी खाना खाती थी, खाने को अपने दांतों से चबाती थी, तब तब दांतों में छुपा हुआ वो मर्क्यूरी खाने में मिक्स हो जाता था और पेट में चला जाता था, और पेट से फिर पूरे खून में मिक्स हो जाता था। यही है वो स्लो पॉइजन जिससे वो बेचारी बेमौत मारी गई। सर हो सकता है कि डेंटिस्ट ने सब जानबूझ के ना किया, गलती हो गई उससे, मे बी अ मेडिकल नेग्लिजेंस। नहीं सचिन, ये मौत एक हादसा होता तो लाश को जलाया नहीं जाता। जिस किसी ने डेंटिस्ट ने भी ये किया है जानबूझ के किया है। वकील साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी माँ अपनी वसीयत बदलवाना चाहती थी। जी हाँ। मगर वो ऐसा कर नहीं सकी, तो ऐसी स्थिति में क्या हमारा बंटवारा पुरानी वसीयत के हिसाब से होगा? दरअसल बात यह है कि मैं और आपकी माताजी। अरे वकील साहब, आप डॉक्टर साहब आप भी? मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि क्या आपकी माताजी ने कभी अपने दांतों का इलाज करवाया था 1.5-2 महीने पहले? नहीं सर, उन्होंने कभी मुझे तो नहीं, उन्होंने कभी हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। डॉक्टर साहब आप तो फैमिली डॉक्टर हैं, आपको तो पता होगा। मुझे भी कभी उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। दुष्यंत काम करो, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, शायद कुछ मिल जाएगा। सर। और निखिल, घर में जितने भी नौकर हैं सबको ऊपर बुलाओ, लेकर आओ। एक बात बताओ, क्या तुम में से कोई जानता है कि मालिनी जी ने अपने दांत का इलाज करवाया था किसी दांत के डॉक्टर के पास 1.5-2 महीने पहले? सब एक दिन अचानक मालकिन के दांतों में दर्द हुआ तो उनका ड्राइवर उन्हें डेंटिस्ट के पास लेकर गया था। सर यहीं पे छोड़ा था हमने उन्हें। उसके बाद किधर गई वो? वो तो मालूम नहीं मुझे। ठीक है, आसपास जितने भी डेंटिस्ट है ना सब चेक कर लेते हैं, तुम लोग उधर देखो। हम लोग CID से, क्या ये कभी आपके यहाँ इलाज कराने आई थी? No, I don't think so. ये यहाँ पर आया है। यहाँ से देखिए, ये 2 महीने पुरानी बात है। No, sir, ये लेडी कभी हमारे वहाँ इलाज के लिए नहीं आई है। नहीं, मुझे नहीं लगता है यहाँ पर आए हैं। I normally मैं पेशेंट्स को याद रखती हूँ अपने। Thank you very much. Thank you. सर उस साइड किसी भी डेंटल क्लिनिक में मालिनी को किसी ने पहचाना नहीं। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं। CID वाले आ गए। तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या करना चाहिए? Excuse me. जी कहिए। हमें डॉक्टर से मिलना है। जी कहिए, मैं डॉक्टर कल्पना हूँ। आपके पास अपॉइंटमेंट है? डॉक्टर, हम CID से। इन्हें पहचानती हैं आप? इन्हें कभी देखा नहीं है, कौन है ये? इनका नाम मालिनी है और
इनका खून हो गया है। क्या खून? क्या हुआ? खून का नाम सुनते ही आपकी जबान लड़खड़ाने की लग गई। नहीं नहीं, यहाँ पहली बार सीआईडी आई है ना, तो मैं थोड़ी नर्वस हो गई। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। थैंक यू वेरी मच। अरे सर, आप लोग अभी तो आए, जितनी जल्दी जा रहे हैं। डॉक्टर प्रतीक ने ठीक से इलाज नहीं किया क्या? डॉक्टर प्रतीक? यहाँ तो कोई लेडी डॉक्टर है ना? नो 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 लेडी, नो लेडी, ओनली जेंट्स, ओनली जेंट्स, डॉक्टर प्रतीक। अच्छा अच्छा, अरे सर आप लोग फिर से आ गए। अरे वो क्या हुआ कि इनके इनके दांत में दर्द होने लगा अचानक, तो वो जरा डॉक्टर से मिलना था। क्या नाम है उनका? डॉक्टर कल्पना। हाँ जी, एक मिनट। हेलो, क्या हुआ सर? मेरे दांत में बहुत दर्द है, मगर मुझे एक जेंट्स डॉक्टर चाहिए, लेडीज डॉक्टर में वो शर्म आती है। नहीं नहीं, या तो मैं ही हूँ। लेकिन दीवार पे तो डॉक्टर प्रतीक का सर्टिफिकेट लटका हुआ है, ये नाम तो किसी लेडी का नहीं हो सकता ना। चेक कर लेते हैं एक बार। सर कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर प्रतीक। अरे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? चले गई ऐसे। डॉक्टर साहब कुछ गिर गया क्या यहाँ पे आपका? मैंने कुछ नहीं किया है। आइए आइए बाहर आइए आइए। अब चले जाइए ऐसे। अरे अरे चले जाएंगे डॉक्टर साहब, आप चले जाइए। अब जाएंगे जाएंगे, पहले थोड़ी बातचीत तो कर लें। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अरे आइए तो सही, आइए आइए। मैंने कुछ नहीं किया। सर ये ऐसे नहीं मानेंगे, लगता है डेंटिस्ट साहब के दांतों का इलाज करना पड़ेगा। अरे लेकिन हमें से किसी को डेंटिस्ट्री आती नहीं है। अरे नहीं आती तो आ जाएगी। क्यों डॉक्टर साहब, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ना, आपने भी तो प्रैक्टिस से सीखा होगा। आती हाँ तो फिर आइए आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए बैठिए बेटा। अरे बेटा बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठिए बैठिए, ये गलत गलत कर रहे हैं आप लोग। तुमने जो किया वो ठीक था क्या? मैंने गलत कुछ नहीं किया। गलत तो हम भी नहीं कर रहे डॉक्टर साहब, आप जल्दी से मुंह खोल दीजिए वरना। मालिनी का इलाज मैंने किया था, और इलाज के बहाने उसके दांतों में ज्यादा मरकुरी भी तुमने डाली थी। गलती होगी? गलती नहीं है, ये गुनाह है। किसके कहने पे किया था? मुझे नहीं मालूम। पैसे दिए थे मुझे इसलिए। कहाँ में लगाई? भाई गोदाम। हाँ डॉक्टर सोलंकी। क्या आनंद? रुक जाओ आनंद, गोली चल जाएगी। आनंद रुक जाओ आनंद। देखो आसपास, इसने काव्य को कहाँ छुपा रखा है? प्यार को तो देखकर ऐसा लगता है कि अगर इन्हें ऑप्शन दिया जाए कि ये मर जाए और इनका हस्बैंड जिंदा हो जाए, तो वो ऑप्शन जरूर ले लेंगी। क्यों नहीं सर, ये तो एक भारतीय नारी का फर्ज है ना। पर अफसोस मेरे पति खुद ही मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते थे। ये तो भगवान का शुक्र है कि मेरी चाय में जहर थोड़ा कम था, वरना आज आपको यहाँ मेरी लाश मिलती।
अभिजीत, काव्या की चाय में जो दवाई के ट्रेसेस मिले हैं उससे किसी की जान नहीं जा सकती। एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि आपकी चाय में जहर कम था? वो सर, अभी आप ही ने तो कहा। अरे हमने कब कहा? हाँ हाँ याद आया, आनंद ने बताया था। आनंद कैसे बताएगा? आनंद बेचारा तो खुद ये बात नहीं जानता था। ये बात जानती थी तो सिर्फ एक औरत, और वो औरत तुम हो काव्या। आनंद, तुम जिंदा हो? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। क्या करें, लोहे को लोहा काटता है। उसी तरह धोखेबाज का एक ही इलाज है, धोखा। जब डॉक्टर प्रतीक ने हमें बताया कि आनंद 22 गोदाम में मिलेगा, तो हमने यहां पहुंचकर देखा कि वो बेचारा बंधा पड़ा है। उसके हाथ पांव खोले तो उसने अपनी आपबीती सुनाई। किसने किया ये सब? है जी सर, जी सर, मेरी देवी काव्या ने किया है सर। कहीं कहीं छुपी हुई है। बस फिर क्या, हमने आनंद के साथ एक छोटा सा खेल खेल लिया तुम्हारा असली रंग सामने लाने के लिए। तो ये सब ड्रामा था, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। पीछे मुड़ के देखो। बड़ी भारतीय नारी होने का ढोंग कर रही है, तुम जैसी नहीं होती भारतीय नारी। सासुमा ने आधी जायदाद आनंद के नाम कर दी थी, पर आनंद अपने भाइयों से बहुत प्यार करता था, तो वो अपनी जायदाद का हिस्सा भी अपने भाइयों को देना चाहता था। और ये बात आपको बहुत खटकती थी, क्यों? मुझे पता था सर, मुझे पता था कि वो सासू माँ पे दबाव डालेगा वसीयत बदलने के लिए। इसलिए तुमने उन्हें डॉक्टर प्रतीक के पास भेजा, उनकी दांत की तकलीफ का फायदा उठाकर, ताकि इससे पहले कि वो अपनी वसीयत बदले उनकी मौत हो जाए। हाँ सर, और मैंने प्रतीक से कहा अगर वो पकड़ा जाए तो मेरा नहीं आनंद का नाम ले, ताकि आपके सास यानी मालिनी जी के खून के जुर्म में आनंद यानी आपका पति फंस जाए, जिससे 25 करोड़ की आधी जायदाद आपकी हो जाए। हॉस्पिटल में डॉक्टर सुमित तुम्हारी सच्चाई जान गए थे, इसलिए उन पे भी हमला किया तुमने। मैं क्या करती सर, उसने मुझे फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। अब बारी है खेल के दूसरे पड़ाव की, जिसमें हम दुनिया को ये दिखाएंगे कि मेरे पति परमेश्वर यानी कि मिस्टर आनंद कुमार ने अपनी ही पत्नी को अगवा कर लिया। तो डॉक्टर सुमित को कोमा में पहुंचा दिया, अपने पति की किडनैपिंग की और मालिनी जी का खून कर दिया। दौलत की भूख मिटाने के लिए इतने सारे जुर्म किए तुमने, लेकिन सजा सिर्फ एक ही मिलेगी, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।